ओके कंटिन्यू. सो यहाँ पर हमने परसेंटेज जी एंड के जी और डबल कोट्स बंद किया और कॉमा करके मैंने लिखा नेम ज़ारा. ठीक, ज़ारा. और यहाँ पर वैल्यू पास की मैंने, परसेंटेज के अंदर लेना पड़ेगा इसको. ठीक है, सो परसेंटेज एंड ब्रेसेस, यहाँ पर नेम हमारा है ज़ारा एंड 45 बेट. ठीक, ठीक है. देन ओके, ज़ारा इज नॉट डिफाइंड सेन, तो फिर क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एस देन ओके. एक चीज़ यहाँ पर ये भी करके देखते हैं, ये शायद कामा यहाँ पर छूट गया है मेरा. देन ओ सॉरी, यहाँ पर परसेंटेज रिमूव करें. देन माय नेम इज एस एन वेट एंड देन, ठीक है, यहाँ पर चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसको मैं एक बार देख के बताऊँगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, देन कंटिन्यूएशन पर यहाँ पे मैंने लिखा तो सब कुछ सही है फिर भी. अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये परसेंटेज का यूज करते हुए, और चूँकि ज़ारा एक स्ट्रिंग नेम है, सो ज़ारा को मैंने क्या किया, एंड. ठीक, क्योंकि एक स्ट्रिंग है. ठीक, तो माय नेम इज़ ज़ारा एंड द वेट इज़ 45 kg. ओके, सो हम यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एट पर जैसे ज़रूरत पड़े. अब आते हैं हम मेन के अपने कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड, जैसे str कैपिटलाइज वर्ड का मतलब है. तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक str में एक स्ट्रिंग दिया, दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट str डॉट कैपिटलाइज एंड. ठीक है, तो पर str सॉरी यहाँ पे मैसेज सी गलत हो गया है, कैपिटलाइज होता है CAPTLIZ. ओके, तो दिस इज एन एग्जाम्पल. अब जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी, वैसे तो कैपिटलाइज का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ क्या कर लेते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने इसके क्या किया, दिस को स्मॉल कर दिया. एक्चुअली यहाँ पर मैंने चूँकि पहला ही लेटर उसका कैपिटल कर दिया था, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आपको दिख रही, कोई फ़र्क नहीं नज़र आया. सो मैंने यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि वापस से फिर से कैपिटलाइज किया. देन तो देखिए, पहला लेटर जो है टी, वो टी इसका कैपिटल हो गया है. ओके, तो कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल में बदल जाता है. ठीक है, तो कैपिटलाइज का यही यूज़ है. सो अब बात आती है कि स्ट्रिंग सेंटर मेथड. तो सेंटर मेथड में क्या है कि मान लीजिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग str तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है. सो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा प्रिंट और str डॉट सेंटर. देन मैंने यहाँ पे दिया 40, और यहाँ पर मैंने 40, और यहाँ पर मैंने दिया एक सिंपल सा, मतलब एस्टिक से फिलियर कर रहे हैं तो एस्टिक हो गया. वैसे आप ए भी दे सकते हो, कुछ भी, मतलब आपको जो लगे. ठीक है, वो चीज़ आप दे सकते हो. तो अब देखिए, 40 पूरी लेंथ हो गई और